प्रयागराज कुंभ, जहां तमाम संतों का जमावड़ा लगा है। अपनी अलग अलग तौर तरीकों और हाव भाव से यहां के संत सुर्खियों में बने हुए हैं। कोई रुद्राक्ष बाबा है तो कोई नागा बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है तो कोई सेल्फी बाबा है, और इन सभी बाबाओं से तर एक युवा चेहरा डिजिटल बाबा के नाम से सुर्खियां बटोर रहा है। इन युवा बाबा की जितनी सुर्खियां बन रही हैं, उससे कहीं ज्यादा इनकी जिंदगी के रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। और बाबा आधुनिकता से लबरेज तमाम गैजेट्स की वजह से डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हैं। वैसे असली नाम स्वामी राम शंकर है, लेकिन एप्पल का लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन और साथ में कैमरा ट्राइपॉड लेकर चल रहे बाबा जी पूरा प्रोडक्शन हाउस है, इसीलिए लोग इन्हें डिजिटल बाबा कहते हैं। स्वामी राम शंकर की कहानी जब मीडिया हलचल ने जाननी शुरू की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले डिजिटल बाबा जी वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई कर चुके हैं। युवा मन कभी फिल्मों की तरफ आकर्षित था, लेकिन अचानक मन आध्यात्म में रमने लगा और आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। डिजिटल बाबा की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। परत दर परत जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि डिजिटल बाबा बनने के पीछे भी एक लंबी कहानी है, और वो कहानी है आध्यात्म से दूर होते युवा को आध्यात्म से जोड़ने की, जिसके लिए स्वामी राम शंकर को सबसे मुफीद और सही रास्ता मिला सोशल मीडिया का, जिसके जरिए देश विदेश के युवाओं को वो आसानी से मन की बात बता सकते थे और उनको आध्यात्म से जोड़ सकते थे। जहां भी भ्रमण पर जाते वहां की आध्यात्म से जुड़े महत्व को सोशल मीडिया के जरिए लाइव होकर बताते। सिलसिला शुरू हुआ तो फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। देश तो देश विदेश के भक्त भी बाबा के डिजिटल अंदाज के दीवाने हो गए, और स्वामी रामशंकर सोशल मीडिया पर डिजिटल बाबा के नाम से सेंसेशन बन गए। हिमाचल का धर्मशाला हो या गुजरात का साबरकांठा, यूपी का गोरखपुर हो या हरियाणा का जींद, बाबा की ख्याति हर जगह बढ़ने लगी। लेकिन बाबा की असली पहचान बना प्रयागराज कुंभ, जहां डिजिटल बाबा को लगातार ख्याति मिल रही है, और स्वामी रामशंकर डिजिटल बाबा के नाम से देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स की डिजिटल बाबा हेडलाइंस में शामिल है, तो वहीं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर बाबा की जय जयकार है। स्वामी रामशंकर उर्फ डिजिटल बाबा का स्वरूप और उनके प्रवचन, भजन सुनने वालों की कतार में लगातार इजाफा हो रहा है। बाबा दिनों दिन सोशल मीडिया सेंसेशन बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।